नमस्कार दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोगों को रिसेंटली में हुए नीट 2024 स्कैम के बारे में पता ही होगा, क्योंकि अभी हर जगह पे बस इसी के चर्चे हैं। नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसके लिए माँ बाप अपनी जिंदगी की पूरी कमाई खर्च कर देते हैं। शॉक थे कि लाखों स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। आत्महत्या कर चुके हैं और कुछ पूरा मन बना के बैठे हुए हैं अगर री नीट नहीं हुआ। 24 लाख बच्चों की जिंदगी के साथ में हुआ है खिलवाड़, कि उनके पेरेंट्स की जिंदगी इम्पैक्ट हुई है। ये स्कैम है नीट एग्जाम। जिस टॉपिक पे काफी सारे क्रिएटर्स ने अभी तक एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, इसलिए हम उन चीजों को अब इस वीडियो में कवर अप नहीं करेंगे। इस वीडियो का हमारा पूरा का पूरा फोकस रहेगा अलक पांडे यानी फाउंडर ऑफ PW पे। एंड आराम से कहीं पे बैठ जाइए, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, धीरे धीरे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है, इस साल नीट का जो रिजल्ट है वो 4 जून को रिलीज हुआ था। एंड रिजल्ट आने के 2-3 दिन के अंदर ही एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट वो लोग अपने टॉपर्स के साथ कई लाइव स्ट्रीमिंग्स यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाए। देन जब सबको पता चला कि इस बार के रिजल्ट में कुछ तो चीज अनयूजुअल है, जैसे कि काफी सारे स्टूडेंट्स के 718 एंड 719 मार्क्स आना, टोटल 67 टॉपर्स का होना, जो चीज एक्चुअल में काफी ज्यादा सस्पिशियस। तो इन सब कंसर्न्स को लेके पूरी की पूरी जो PW की टीम है वो लोग इन लूप होल्स को फाइंड आउट करके यूट्यूब पे लगातार काफी सारे वीडियोस अपलोड किए जा रहे थे NTA से सवाल पूछते हुए। तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे और वो इस पे कुछ एक्शन ले। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे क्रिएटर्स इस टॉपिक को हाईलाइट करें और NTA से बोले कि। एंड इस सब के बाद इन चीजों का रिप्लाई देते हुए जब NTA ने एक बहुत ही बेकार रिपोर्ट पोस्ट किया, तो उस चीज को लेकर अलग सर ने पर्सनली NTA को एक लीगल नोटिस भी भेजा किया है। NTA को अपनी तरफ से एक लीगल नोटिस भेज दिया है। NTA ने अपने रिपोर्ट में राजस्थान के जिस सेंटर का जिक्र किया था, यानी कि सवाई माधवपुर, वहाँ से एक स्टूडेंट या फिर अफेक्टेड पार्टी है उसको भी बुलाकर बहुत चीजें बाकी बच्चों को बताई कि एक्चुअल में वहाँ पे हुआ क्या था, सिचुएशन कैसी थी और NTA कितना सच बोल रहा है या फिर कितना झूठ बोल रहा है। फिर इन सब के बाद जब NTA के डायरेक्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की एंड उन बातों पे भी काफी सारे लोग पहुंचते, एंड इतना सब कुछ करने के बावजूद जब NTA की तरफ से रिप्लाई आने में काफी ज्यादा लेट हो रहा था, जो रिप्लाई आ भी रहा था वो भी कुछ खास नहीं था, NTA बस ऊपर से बात किए जा रहा था। इस चीज को देखते हुए उन्होंने हाल फिलहाल में ही NTA पर सुप्रीम कोर्ट में PIL भी फाइल कर दी है। हमने जो PIL फाइल की है उसमें हमने केस नंबर की बात की है, पेपर लीक की, दोनों चीजों की बात की है। PIL का मतलब है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि जब किसी भी एजेंसी या फिर किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा लिया गया कोई भी फैसला काफी सारे लोगों के अगेंस्ट में जाता है, तो वो लोग एक साथ में आकर कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करते हैं एंड इसी को PIL का नाम दिया गया। तो आप लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया होगा, मतलब सिर्फ इस स्कैम को लेके अलग सर कितने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। अब कुछ लोग यहाँ पे बोलते हैं कि ये सब एक्चुअल में बच्चों के लिए कर रहे हैं या फिर इनके पीछे उनका कुछ अलग ही मोटिव है। अगर वो इन सब चीजों में सबसे आगे रहकर इस प्रोटेस्ट का फेस बनकर खड़े रहेंगे तो उनकी जो पॉपुलरिटी है वो देश भर में और भी ज्यादा बढ़ने लगे। एंड आप लोगों ने रिसेंटली में देखा ही होगा कि वो बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे आ चुके हैं, काफी सारे एंकर्स के साथ बात भी की है इस टॉपिक को लेके, जो कि उनको स्कैम से भी ज्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना देता है। इस चीज को हम काफी हद तक समझ भी सकते हैं, क्योंकि अगर उनकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ेगी एंड बच्चों को जब समझ में आएगा तो उनका भी उन सर के प्रति एक इमोशन अंदर से आएगा, जिस वजह से जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो भी काफी तेजी से बढ़ने लगेगी। बेसिकली जो अलग सर है वो बच्चों के इमोशन के साथ डील करते हैं। दैट्स व्हाई PW सिर्फ एक कंपनी नहीं है बल्कि इमोशन है स्टूडेंट्स का। अगर आप भी एक स्टूडेंट है तो आप इन सब चीजों को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताना। अब मैं मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मेरे हिसाब से चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यानी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होनी चाहिए। एंड यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि एक बहुत ही बड़ी नेशनल गवर्नमेंट बॉडी है, जिसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए या फिर लड़ने के लिए हम लोगों को यानी स्टूडेंट्स को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेस चाहिए होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल, इन्फ्लुएंशियल एंड ऑनेस्ट लीडर हो। एंड इतने दिनों से जितने भी घटनाएं घटी है उन सबको मद्देनजर रखते हुए जो अलग पांडे सर हैं वो इस सीट पे एकदम ही परफेक्ट बैठते हैं। इन सब चीजों को सुनकर काफी लोग उनके फेवर में बात करेंगे एंड काफी लोग उनके अपोज में बात करेंगे। एट द एंड जिस बात से कोई डिसएग्री नहीं कर सकता वो है कि बच्चों को जस्टिस मिलनी चाहिए।
चाहे अलक पांडे सर का मोटिव कुछ भी हो, वो जो भी काम कर रहे हैं उनसे स्टूडेंट्स का ही भला हो रहा है, जो कि इस पूरे के पूरे आलोचना को यहीं पे खत्म करता है। सो आई होप आपको इस वीडियो को देखकर थोड़ा क्लियरेंस तो मिला ही होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको नहीं बताया कि क्या सही है और क्या गलत है, वो सोचना आपका काम बनता है। आखिर आप भी तो एक डेमोक्रेटिक देश के नागरिक हैं, तो सोचते रहिए एंड आपका जो कंक्लूजन निकले वो हमें कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। एंड मिलते हैं किसी और नए वीडियो में एंड किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड बाय बाय।